हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, जिसका चैप्टर नंबर 9 हर्ब्स एज हेल्थ फूड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर की जितनी भी पीडीएफ होंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, आपको चैप्टर नंबर 9 में ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरापूटिक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, जो आपके कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे आपके न्यूट्रासूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक्स दिए गए हैं, और उसके बाद प्रोबायोटिक्स दिए गए हैं, डाइट्री फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इनके बारे में दोस्तों आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इनका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, यानी थेरापूटिक एप्लीकेशन को पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो टॉपिक होगा न्यूट्रासूटिकल्स, यानी न्यूट्रासूटिकल्स क्या होते हैं, इनके थेरापूटिक एप्लीकेशन को बताते हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रासूटिकल्स को आपने जो है, यानी डी फार्म फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है आपका सोशल फार्मेसी, उसमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आप इसमें फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे इसको। तो दोस्तों, यानी जो आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, उसमें आपने न्यूट्रासूटिकल्स को पढ़ा है और इसमें भी आप पढ़ेंगे, तो दोनों को कंबाइंड लिख देना है आपको, यानी वहाँ की नॉलेज को इसमें भी ऐड कर देना है। तो दोस्तों, वह सब्सटेंस जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें न्यूट्रासूटिकल्स कहा जाता है, यानी जो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं उनको जो है न्यूट्रासूटिकल्स कहा जाता है। और 1989 में जो आपके स्टेफन डेफलिका ने न्यूट्रासूटिकल जो टर्म है उसकी खोज की थी। और न्यूट्रासूटिकल्स हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं और अदर हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे हेल्थ को इम्प्रूव करना, डिसीज से बॉडी को प्रिवेंट करना, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सब जो बातें होती हैं ये सब न्यूट्रासूटिकल हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। यानी ये न्यूट्रिशन के अलावा अदर वर्क भी करते हैं, यानी डिसीज़ को प्रिवेंट करना, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना, हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो ये आपके होते हैं न्यूट्रासूटिकल्स। और इनके थेरापूटिक एप्लीकेशन क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रासूटिकल्स, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इनके थेरापूटिक एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ये मेडिसिनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है और इनके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत कम होते हैं, यानी न्यूट्रासूटिकल्स के साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट शो करते हैं, यानी जो ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक इफ़ेक्ट नहीं होते हैं उनको ये शो करते हैं। और उसके बाद ह्यूमन की मेडिकल कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं, जो ह्यूमन की मेडिकल कंडीशन होती है उसको इम्प्रूव करने का वर्क करते हैं। और ये इकोनॉमिकली रूप से सस्ते होते हैं, ईजिली अवेलेबल होते हैं, यानी इनको ईजिली प्राप्त किया जा सकता है और इकोनॉमिकली रूप से भी ये सस्ते होते हैं। और ये बॉडी को डिसीज से प्रिवेंट करने का वर्क करते हैं, यानी बहुत सी डिसीजेज होती हैं जो हमारी बॉडी को यानी हानि पहुंचाती हैं, यानी हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाती हैं, तो दोस्तों उनसे प्रोटेक्ट करने का वर्क भी न्यूट्रासूटिकल्स करते हैं। यानी न्यूट्रासूटिकल्स को जो पर्सन खा रहे हैं तो दोस्तों उनको जो है इतने उनके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और न्यूट्रासूटिकल्स आर यूजेज एज कार्डियोवैस्कुलर एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, न्यूट्रासूटिकल्स को एंटी कैंसर एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में और इम्यून बूस्टर के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए न्यूट्रासूटिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बात हो गई आपके न्यूट्रासूटिकल्स के बारे में। फिर नेक्स्ट कंपाउंड आपका है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस जिनका यूज़ सेल की ग्रोथ करने और सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है उनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। यानी हमारी बॉडी जो होती है उसकी सबसे छोटी इकाई सेल होती है, तो दोस्तों सेल की ग्रोथ करने के लिए और सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए जिन ऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है उनको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है।
और एंटीऑक्सीडेंट को वेजिटेबल एंड फ्रूट से ऑब्टेंड किया जाता है। दोस्तों इतनी इजी लैंग्वेज लिखी है, अगर आप इसको एक बार में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट को वेजिटेबल और फ्रूट से ऑब्टेंड किया जाता है। रिसर्च के अनुसार जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इनके अंदर डिसीज प्रिवेंट करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है, यानी जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये डिसीज़ को प्रिवेंट करने का वर्क नहीं कर पाते हैं, ओनली सेल की ग्रोथ को यानी इम्प्रूव करते हैं, सेल को डैमेज होने से बचाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन, जो आपके कैरोटीन होते हैं, कैरोटीनॉइड्स हो गए, ये सब एग्जांपल होते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट के। फिर बात करते हैं थेरापूटिक एप्लीकेशन के बारे में कि जो आपके एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनके थेरापूटिक एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। एग्जाम्पल में बी इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यानी बी इलेक्ट्रॉन आपका एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों इसका यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया और लिपोइक एसिड हो गया, तो इन सब का यूज़ जो है आपका किस में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ ब्रेन इंजरी को ठीक करने में भी किया जाता है, यानी ब्रेन में अगर किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट लीवर को प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में भी किया जाता है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है, और पार्किंसन डिसीज़ को ठीक करने में भी इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों डी फार्म सेकेंडर में जब आप आ जाएंगे तो आपको फार्माकोथेरापूटिक में पार्किंसन डिसीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको पार्किंसन डिसीज़ पूरी पढ़नी है तो डी फार्म सेकेंडर की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है यानी फार्माकोथेरापूटिक की, वहाँ पर आप पार्किंसन डिसीज़ को पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और अच्छे से आपको समझा देंगे, जिससे जो है आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, और एक ही वीडियो में अगर पूरा चैप्टर होता है तो आपको जो है नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है और समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बात करते हैं सोयाबीन के बारे में, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है सोयाबीन का। सोयाबीन गोल्डन कलर की होती है, जो सोयाबीन होती है इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन कलर, जो प्रोटीन और ऑयल का कंप्लीट सोर्स होती है, यानी इसमें प्रोटीन और ऑयल अधिक मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन का जेनेरिक नेम जो है सोय होता है, और इसकी लेगुमी फैमिली होती है। जो सोयाबीन होती है ये लेगुमी फैमिली से बिलोंग करती है, और ये इंडिया में बड़े क्षेत्र में कल्टिवेटेड की जाने वाली वेजिटेबल होती है, यानी इंडिया के सभी क्षेत्रों में इसको जो है बहुत अधिक मात्रा में कल्टिवेटेड किया जाता है। और सोयाबीन में अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। सोयाबीन में 40-50% तक प्रोटीन पाई जाती है, और 20-25% तक जो है ऑयल प्रेजेंट होता है, ऑयल पाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा सा सोयाबीन के बारे में। फिर इसके थेरापूटिक एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सोयाबीन का यूज़ वेजिटेबल के रूप में किया जाता है, यानी सब्जी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, फैटी एसिड पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, यानी जो जिम करते हैं, यानी बहुत से लोग जिम करते हैं तो वे लोग इसको सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, और ये हार्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसकी एक्टिविटी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, और ये हार्ट डिसीज़ को कम करने और कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। यानी अगर किसी भी पर्सन को कोई हार्ट डिसीज़ है तो उसको ट्रीट करने और कैंसर के ट्रीटमेंट में अपना रोल ये प्ले करते हैं जो सोयाबीन होते हैं। फिर बात करते हैं गार्लिक के बारे में कि गार्लिक क्या होता है। तो गार्लिक को हिंदी में जो है लहसुन कहते हैं, लहसुन। तो दोस्तों आपने लहसुन देखा भी होगा, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी आपने खाया भी होगा, देखा भी होगा। तो गार्लिक फ्रेश कंपाउंड होते हैं, ये जो आपके लहसुन होते हैं ये फ्रेश कंपाउंड होते हैं, जिसमें एलियम सेटिवम लिंकेज से ऑब्टेंड किया जाता है। यानी इसको कहाँ से ऑब्टेंड किया जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एलियम सेटिवम लिन से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। और इसकी फैमिली क्या होती है, लीलियसी इसकी फैमिली होती है, और इसकी खेती जो है इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इटली
और जो साउथर्न यूरोपियन जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें इसकी खेती की जाती है, जो लहसुन की खेती होती है। और गार्लिक का यूज़ जो है बहुत सी डिसीज़ को ट्रीट करने में किया जाता है, जैसे लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी गार्लिक का यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका इफेक्ट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट शो करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं गार्लिक के थेरापूटिक एप्लीकेशन के बारे में, कि इसके क्या क्या थेरापूटिक एप्लीकेशन हैं। तो दोस्तों, गार्लिक ऑयल का यूज़ जो है इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, यानी दोस्तों इंसेक्टिसाइड के रूप में भी यानी लहसुन का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ ब्लड क्लॉटिंग में किया जाता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में यह हेल्प करता है जो गार्लिक होता है। ट्यूमर और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ यानी जो सूखी खांसी होती है, और जो पायल्स यानी बवासीर होती है उसके ट्रीटमेंट में यानी जो लहसुन होता है, गार्लिक होता है, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने में यानी गार्लिक का यूज़ किया जाता है। अस्थमा, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी गार्लिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपकी गार्लिक के बारे में यानी जो लहसुन होता है उसके बारे में। फिर बात करते हैं प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो भी आपके टॉपिक रह गए हैं सब इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपको शॉर्ट वीडियो में पूरा टॉपिक को समझा देंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक क्या होते हैं, देखिए इनका इंट्रोडक्शन। यानी प्रोबायोटिक एक प्रकार के फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। यह हमारी बॉडी के अंदर यानी जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वे आपके होते हैं प्रोबायोटिक, और ये डाइजेशन को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको प्रमोट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो प्रोबायोटिक होते हैं, और ये न्यूट्रिशन के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आए उसको एब्जॉर्ब करने में जो प्रोबायोटिक होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं, और ये हमारी बॉडी से बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी को यानी हानि पहुंचा रहे हैं, बुरा इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में निकालने में प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और बॉडी को हेल्दी रखने में भी ये हेल्प करते हैं प्रोबायोटिक। इसमें लिखा हुआ है लैक्टोबैसिलस और उसके बाद बिफिडोबैक्टीरियम ग्रुप को प्रोबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये आपके बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपको लैक्टोबैसिलस हो गया, बिफिडोबैक्टीरियम हो गया, इनका यूज़ हमारी बॉडी के अंदर क्यों किया जाता है, प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। और प्रोबायोटिक के अभी हम आपका ऊपर जो है आपको इसके यूजेस के बारे में बता चुके हैं। ऐसे प्रोबायोटिक का यूज़ करना चाहिए जो हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ कॉज ना करें। तो ये आपके लैक्टोबैसिलस हो गए, बिफिडोबैक्टीरियम हो गए, तो दोस्तों ये हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, इसलिए इनका यूज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। फिर थेरापिटिक एप्लीकेशन को देखते हैं, प्रोबायोटिक के थेरापिटिक एप्लीकेशन क्या होते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में फ्रेंडली बैक्टीरिया की तरह रहते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करते हैं जो प्रोबायोटिक होते हैं, और इनका यूज़ डायरिया के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है, और ये मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी यूज़ किए जाते हैं जो प्रोबायोटिक होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में यूज़ किए जाते हैं, वेट को लॉस करने में यूज़ किए जाते हैं, यानी वेट को कम करने में प्रोबायोटिक का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रीबायोटिक। दोस्तों, प्रीबायोटिक क्या होते हैं, इसके थेरापिटिक एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, और ये इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी दोस्तों, जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं डाइजेस्टेबल, एक होते हैं इनडाइजेस्टेबल। तो जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं उनको प्रीबायोटिक कहा जाता है, और जो आपके डाइजेस्टेबल होते हैं वो उनको सिंपल यानी जो आपके कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो दोस्तों, जो प्रीबायोटिक होते हैं ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट होता है, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर देते हैं। यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी ग्रोथ को अगर ये प्रमोट कर देंगे तो जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर रिएक्शन तेज़ होंगी,
और जो भी यानी आपने फूड खाया है बस जल्दी यानी उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में एनर्जी मिलेगी। तो इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको फास्ट कर देते हैं ये जो आपके प्रीबायोटिक होते हैं। और प्रीबायोटिक गैसेस और शॉर्ट चेन जैसे आपके फैटी एसिड हो गए, इसको ब्रेक डाउन करने का वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे आपका व्हीट हो गया यानी गेहूं हो गए, ओनियन यानी प्याज हो गए, पटेटो हो गए, जैसे आपके यानी पटेटो आलू हो गए, टमेटो भी इसमें लिख सकते हैं, ये सब आपके प्रीबायोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। थेरापिटिक यूजेस इसके क्या हैं दोस्तों? प्रीबायोटिक हमारी बॉडी में इम्यून फंक्शन को बढ़ाने का वर्क करते हैं, यानी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने का वर्क करते हैं प्रीबायोटिक्स। और उसके बाद इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाकर रखती हैं जो आपकी प्रीबायोटिक्स होती हैं। बॉयल मूवमेंट को प्रमोट करते हैं और प्रीबायोटिक्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इनक्रीज़ करने का वर्क करते हैं जो प्रीबायोटिक्स होते हैं। यानी कैल्शियम का जो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है उसको इनक्रीज़ करने का वर्क करते हैं, जिससे हमारी जो बोन होती हैं वे और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। और बॉयल मूवमेंट यानी ये कॉन्स्टिपेशन कॉज होने से बचाते हैं, यानी जो मॉर्निंग टाइम जो यानी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है तो बहुत लोगों के, तो दोस्तों उसको ठीक करने का वर्क करती हैं। और जो हमारा बाउल मूवमेंट होता है उसको प्रमोट करने का वर्क करती हैं। और उसके बाद इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के बैलेंस को बनाकर रखती हैं। ये सब दोस्तों इनके थेरापिटिक यूजेस होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका बात करेंगे जो भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर दोस्तों बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। तो दोस्तों ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वह फिश से ऑब्टेंड किए जाते हैं, यानी मछली से ऑब्टेंड किए जाते हैं। जो फिश ऑयल होता है वहाँ से ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऑब्टेंड किया जाता है। और दोस्तों कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड के हमने एग्जांपल लिखे हैं, तो इसमें ALA इनकी फुल फॉर्म लिखी है हमने, अल्फा लिनोबनिक एसिड लिखा हुआ है, और उसके बाद EPA इकोसेप्टोनिक एसिड लिखा हुआ है, और उसके बाद DHA डिकोसैक्सिनोइक एसिड इसका लिखा हुआ है एग्जांपल। तो ये कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इसीलिए इनके नाम को हमने लिख दिया है। और उसके बाद जो ALA होता है यानी जो आपका ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड होता है, ये सोयाबीन और कैनोला ऑयल से ऑब्टेंड किया जाता है जो ALA होता है। और उसके बाद जबकि DHA EPA को फिश से ऑब्टेंड किया जाता है, जो सी फूड यानी जो समुद्री खाना होता है वहाँ से इसको ऑब्टेंड किया जाता है DHA और EPA ओमेगा 3 फैटी एसिड को। तो दोस्तों आपको इसमें शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रो देना होता है, उसके बाद थेराप्यूटिक यूजेस को बता देने होते हैं, और आपका अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप एक पेज में डिफाइन कर देंगे। इसका यूज़ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में किया जाता है, अबनॉर्मल हार्ट रिदम को ठीक करने में, यानी हार्ट रिदम आपने नहीं पढ़ा है तो आप एनाटॉमी की जब वीडियो पढ़ेंगे तब दोस्तों हार्ट रिदम उसमें हमने बताया है। और उसके बाद ब्लड क्लोट को प्रिवेंट करने में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारी बॉडी में यदि कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो उसको ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है। और ब्लड प्रेशर अगर कम है या ज़्यादा उसको मेंटेन करने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका कंपाउंड है स्पायरुलिना। तो दोस्तों स्पायरुलिना के बारे में बात करना है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों स्पायरुलिन जो आपका है एक ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है, यानी ये एक प्रकार के शैवाल होते हैं। जो स्पायरुलिना होता है ये एक प्रकार का शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। तो दोस्तों यही हमने लिखा है, स्पायरुलिन जो होता है एक ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है, इसको स्पायरुलिना जो प्लेटनिस होता है, और उसके बाद स्पायरुलिना मैक्सिमा के नाम से भी जाना जाता है। जो स्पायरुलिना होता है इसको अदर नेम प्लेटनिस के नाम से जाना जाता है और मैक्सिमा के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके बाद इसकी फैमिली ओस्कार टोरेसी इसकी फैमिली होती है। और उसके बाद स्पायरुलिना में लगभग 5 से 6% तक लिपिड पाया जाता है, और इसमें ओलिक एसिड पाया जाता है, लिनोलिक एसिड भी प्रेजेंट होता है जो स्पायरुलिना होता है। और स्पायरुलिना में कार्बोहाइड्रेट
ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है, यानी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। और थेरापूटिक एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, देखिए एड्स को कंट्रोल करने में इसका यूज़ किया जाता है, एंटी कैंसर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है, और एंटी वायरल के रूप में यूज़ किया जाता है, और उसके बाद यह बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, यानी जो स्पाइरुलिना होते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक है आपका कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स को पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे डाइट्री फाइबर, फिर आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन क्या है कैरोटीनॉइड्स का, कैरोटीनॉइड्स एक प्रकार के पिगमेंट होते हैं, यानी दोस्तों ये एक प्रकार के पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से जो प्लांट होता है उसमें कलर आता है, और उसके बाद दोस्तों जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स आपके ग्रीन कलर के होते हैं, ऑरेंज आपके यानी जो आपके बनाना होते हैं वह येलो कलर के होते हैं, तो दोस्तों उनका जो कलर आता है वह कैरोटीनॉइड्स की वजह से आता है। और उसके बाद कुछ एनिमल्स के भी कलर्स होते हैं, जैसे एनिमल कोई ब्राउन कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का, कोई वाइट कलर का, तो दोस्तों जो उनके कलर होते हैं, जो फ्रूट्स के कलर होते हैं, वह कैरोटीनॉइड्स की वजह से आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए इनको कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है, और एक प्रकार के पिगमेंट होते हैं, और उसके बाद इनकी वजह से ही एनिमल का कलर जो होता है डिफरेंट होता है, फ्रूट का कलर जो होता है डिफरेंट होता है। और उसके बाद थेरापूटिक एप्लीकेशन देख लेंगे, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, जैसे आपका हाइपरटेंशन हो गया और बहुत सी एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओबेसिटी यानी मोटापे को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं कैरोटीनॉइड्स, और ये स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, और दोस्तों स्किन कैंसर को प्रोटेक्ट करते हैं, और दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज करने का, यानी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में भी ये कैरोटीनॉइड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं आपका जो एक टॉपिक है डाइट्री फाइबर, तो डाइट्री फाइबर को बताने के बाद दोस्तों आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। तो डाइट्री फाइबर क्या होते हैं, देखिए डाइट्री फाइबर एक खाने योग्य सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये जो आपके होते हैं डाइट्री फाइबर ये नॉन डाइजेस्टेबल होते हैं, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों जब ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं तो इनका यूज़ क्यों किया जाता है, तो दोस्तों जो डाइट्री फाइबर होते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन को स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये इंटेस्टाइन को जब स्मूथ बना देते हैं, जब हमारी इंटेस्टाइन जो होगी वह स्मूथ होगी, तब जो अदर फूड होता है हमारे स्टोमच से इंटेस्टाइन में जाता है, तो इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा फूड को जो है एब्जॉर्ब कर पाएगी, अपने पास ला पाएगी, यानी उसको खींच पाएगी, और खींचने के बाद दोस्तों उसको अधिक मात्रा में यानी उसका डाइजेशन कर पाएगी। तो इसीलिए डाइट्री फाइबर का यूज़ किया जाता है। और डाइट्री फाइबर किस में पाया जाता है, बहुत चीज़ों में डाइट्री फाइबर पाया जाता है, जैसे बीट हो गया, बीन्स हो गए, जो नेचुरल जूस होते हैं, जो सलाद होते हैं उसमें भी डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चने में भी डाइट्री फाइबर पाया जाता है। तो दोस्तों ये इनके हो गए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और बात करते हैं यूजेस के बारे में, यानी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में यानी कब्ज़ को ठीक करने में, और जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसके वेट को जो है मेंटेन करने में, यानी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो डाइट्री फाइबर होते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।